हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बनाने वाले हैं शाही आलू, जो एक बहुत ही यूनिक स्टाइल से बनाई जाती है। आप सभी को उम्मीद करते हैं कि हमारी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, ये पनीर से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। एक बार आप इसी नुस्खे से बनाकर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चलिए बनाने की विधि को देखते हैं। शाही आलू बनाने के लिए यहाँ पर हम 100 ग्राम चने की दाल को धोकर भिगो दिए थे। 2 घंटा तक इसे फूलने के लिए छोड़ दिए थे। 1 पीस आलू को धोकर छिलका निकाल लिए हैं। अब इसे हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, इसे और चने की दाल को। इसे हम ग्राइंडर में डाल देंगे। यहाँ पर हम 3 हरा मिर्च डाले हैं। आपको जितना तीखा पसंद हो आप डाल दीजिएगा। पेस्ट बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना बारीक पेस्ट बना है। एक बर्तन में 1/2 गिलास पानी को हम बॉयल होने देर धर दिए हैं। उसमें हम टमाटर को डाल देंगे, फिर प्याज को डाल देंगे, 2 तेज पत्ता डाल देंगे। यहाँ पर हम 3 पीस प्याज लिए हैं, 8-9 पीस लहसुन की कलियाँ लिए हैं, छोटी 1 चम्मच खड़ी जीरा लिए हैं। पेस्ट में हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी नमक डाल देंगे। इसे अच्छी तरीका से मिला लेंगे। हाथों से रगड़ के इसमें थोड़ी सा काली जीरा डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरीका से मिला लेंगे। एक बर्तन ले लेंगे, उसमें थोड़ी सी ऑयल को ऐड कर देंगे। इसे चारों तरफ लगा देंगे। इसमें सारे पेस्ट को डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरीका से फैला लिए हैं। अब इसी के ऊपर इसको धर देंगे और 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 10 मिनट कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देख सकते हैं रेडी है, ठंडा आने तक का वेट करेंगे। सारी चीज़ों को एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस पानी को आप जब पेस्ट बनाइएगा तो आप उसमें भी डाल सकते हैं या फिर ग्रेवी में डाल सकते हैं। सारे चीज़ों को निकाल लिए हैं, इसे ठंडाने तक वेट कर लेंगे, फिर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। पेस्ट बनकर रेडी है। अब इसे हम कट लगा लेंगे बर्फी का शेप का। ये बहुत ही अच्छे तरीका से निकल गया है, बहुत ही स्पॉन्जी है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तेल हीट हो गया है। याद रहे कि जितना तेल रहे उतना ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो टूट जाएगी। इसे गोल्डन फ्राई नहीं करना है, इसे हल्का ही फ्राई करेंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से बाकी जो बचा है उसे भी तल लेंगे। सारे को फ्राई करके निकाल लिए हैं। बचा हुआ ऑयल में हम डाल देंगे 5 फोरन, मिर्चाई डाल देंगे, खड़ी मिर्च। अब हम पेस्ट को डाल देंगे। अब डाल देंगे हल्दी पाउडर, डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब डाल देंगे इसमें धनिया, जीरा और गोल मिर्च पाउडर, तीखा लाल मिर्च पाउडर। सारे चीज़ों को अच्छी तरीका से मिला लेंगे, मिलाते हुए चलाएंगे, फ्राई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मसाला में कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, इसे भी थोड़ी देर अच्छी तरीका से फ्राई कर लेंगे। मसाला फ्राई हो गया है, इसमें हम ग्रेवी के लिए डाल देंगे पानी।
ग्रेवी के लिए रस डाल दिए हैं, उबाल आने तक हम वेट करेंगे। सब्जी में उबाल आ गया है, अब हम डाल देंगे। सब्जी बनकर तैयार है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेवी में कितना अच्छा कलर आया है और देखने से भी टेस्टी लग रही है। सर्व करने के लिए तैयार है शाही आलू। आप चाहे इसे जिस भी किसी के साथ सर्व करें, चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ, ये बहुत ही यम्मी और लजीज लगती है। आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। सो थैंक यू।